चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाए अपना अगला काम। राइट, केस स्टडी का डिस्कशन चल रहा था और इस केस स्टडी में हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी सामने आती है। आइए जरा सबसे पहले इसके फैक्ट्स को पढ़ लिया जाए और फिर डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। तो केस क्या कहता है आइए देखें। फैक्ट्स लिखे गए कि भाई एक कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है जी। इसने एडवर्टाइज किया वेयर इन द न्यूज़पेपर that anyone who would take according to the printed directions, जो भी इन्होंने printed directions अपनी दवाई की थी, दवाई का नाम रखा है smoke balls, न्यूज पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे डाली, जो भी इन्होंने मैन्युफैक्चर की, दैट दिस जो भी पर्सन इस दवाई को लेगा, इट वुड नॉट कॉन्ट्रैक्ट द इंक्रीजिंग एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा और कोल्ड। तो जी आप हमारी दवाई को खाओ, बस किसी भी तरह का इन्फ्लुएंजा और कोल्ड आपको नहीं होने वाला। और इस बात के लिए उन्होंने एक रिवॉर्ड रख डाला। रिवॉर्ड कैसा भाई, इनाम कैसा? अ रिवॉर्ड ऑफ 100 pounds वॉज ऑफर्ड बाय द कंपनी टू एनी वन हु कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा और कोल्ड, कि भैया हमारी दवाई खा करके अगर आपको इन्फ्लुएंजा या कोल्ड हो गया तो आपको 100 pounds का हम रिवॉर्ड देंगे। शर्त क्या है कि भाई आपने हमारी स्मोक बॉल्स जो दवाई का नाम रखा इन्होंने इसको यूज किया जब, दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शंस। तो भैया हमारी जो प्रिंटेड डायरेक्शंस दी गई हैं उनके हिसाब से ही आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। नाउ वन मिसेस कार्लिल यूज्ड द स्मोक बॉल्स एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया वैसे वैसे उन्होंने इस पूरी दवाई का यूज किया, दवाई को कंज्यूम किया। बट शी सबसिक्वेंटली सफर्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा। अब भाई जैसे जैसे उन्होंने प्रिंटेड डायरेक्शंस में बताया गया था वैसे वैसे मिसेस गार्लिल ने इसका इस्तेमाल किया और फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। शी फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ 100 pounds फ्रॉम द कंपनी। केस दायर कर दिया गया कि अब तो मुझे 100 pounds का रिवॉर्ड चाहिए। क्यों चाहिए भाई, आपके द्वारा बताई गई प्रिंटेड डायरेक्शंस को तो मैंने फॉलो किया और जब ये सारा काम करने के बावजूद भी ये हुआ कि भाई मैं इन्फ्लुएंजा से पीड़ित हो गई तो अब तो मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट मिसेस कार्लिल इज सेइंग। लेकिन दूसरी तरफ पार्टीज की कंटेंशन अगर हम देखें और हम देखें कि कंपनी इस बारे में क्या कहती है, आइए देखें। On behalf of the company, it was contended that the acceptance has to be given to an offer to make a valid contract. भाई offer हमने दी, मान ली बात, लेकिन acceptance भी तो आनी चाहिए। Mrs. Garlill ने तो हमें तो कोई भी acceptance नहीं दी। And Mrs. Garlill did not communicate her acceptance to the company. हमें तो बताया नहीं, तो हम भला कैसे कैसे इस contract को valid माने? Offer तो हमने दे दी, मान ली बात, लेकिन मिसेस कार्लिल ने एक्सेप्टेंस तो हमें कम्युनिकेट ही नहीं की। ऑल्सो द ऑफर वॉज नॉट मेड टू मिसेस कार्लिल इन पर्टिकुलर। और खाली हमने मिसेस कार्लिल को ऑफर थोड़ी दी थी, हमने तो जनरल ऑफर दी थी और यही वरे पकड़े भी गए। तो कंपनी कहती थी हम तो रिवॉर्ड देने के लिए लायबल ही नहीं है। अब बारी आई कोर्ट के सोचने की। कोर्ट ने जब अपना डिसीजन दिया मेरे दोस्त, बहुत ही बढ़िया चीज बताई कि ये तो एक जनरल ऑफर है। कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ये तो एक जनरल ऑफर है और जब भी जनरल ऑफर दी जाती है दैट इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। अब जिस व्यक्ति ने भी उसे सुना, क्या हर व्यक्ति जाके दवाई खरीदने से पहले कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि हाँ जी हाँ हम आपकी दवाई खरीद रहे हैं और खरीदने के बाद कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम भी आपके द्वारा बताई गई इन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, क्या ये बार बार जाके बातें बतानी पड़ेंगी दोस्तों? तो इसका जब डिसीजन दिया कोर्ट ने तो क्या कहा, कोर्ट हेल्ड दैट ऑफर्स कुड बी मेड टू पब्लिक एट लार्ज और आपने तो ये जनरल ऑफर दी है। द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस इन द ऑफर इज सफिशिएंट। जनरल ऑफर में अगर आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो बस आपने उस ऑफर की कंडीशंस को परफॉर्म कर दिया, इतना ही बहुत है। इट इज इनफ दैट कि एक्सेप्टेंस हो गई, कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं होती, इट नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड। Mrs. Carlyle was entitled to receive 100 pounds from the company. तो जब
ये डिसीजन आया तो साफ बात तय हो गई कि भाई जनरल ऑफर दी गई है, पब्लिक एट लार्ज को दी गई है, और जो भी व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है उसे केवल और केवल उन कंडीशंस को फॉलो करना है जिन कंडीशंस को फॉलो करने के लिए कंपनी ने उसे कहा था। और अगर ऐसा किया तो ऐसे समय में हम ये वैलिड एक्सेप्टेंस मान लेंगे, राइट। तो ये था दोस्तों डिसीजन ऑफ द कोर्ट। और जो इसका रिलेटेड केस लो है उसका नाम क्या है, नाम तो उसमें पर्टिकुलर केस में ही लिखा था, मिसेस गार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। अब इसके पीछे आखिरकार लॉ के ऐसे कौन से प्रोविजंस थे जो काम कर रहे थे, आइए उन्हें भी पढ़ लिया जाए। तो इन जनरल ऑफर विच इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, एक्सेप्टेंस नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड by the acceptor. It is enough that conditions to the offer are fulfilled by the acceptor. तो दोस्तों हमने offer and acceptance के chapter में types of offer के बारे में पढ़ा, ठीक बात है कि नहीं? और उसमें हमने specific offer, general offer, counter offer, ये सब बात इस तरह की हमने सारी offers पढ़ी थी। उनमें से जो general offer है ये case particularly उसी point को highlight करता है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये केस स्टडी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। हम फिर से मिलेंगे अपने अगले केस स्टडी को लेकर के, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, बाय बाय।